tum jaise yara mera tu paasade wal aa koi mur jaye na la pahare la koi mur jaye na la pahare la satnam yara tum jaise yara mastan yara mera tu paasade wal aa koi mur jaye na la pahare la koi mur jaye na la pahare la Tere wali wa 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 tere wali wa 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 ke tode mujhse tu nahi mila main dil gaya ra sun jaisa kun jaisa yaar tera tu paas hai wal aa aa koi mur jaye na la bahare la झोली में दे पा 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 प्यार मेरी झोली में दे पा 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 पतझड़ उड़ा दे तेरा बहार तुला हल जाने तू सारा तुम जैसे यारा तुम जल धारा तुम जैसे यारा मेरा तू पास धन सतगुरु तेरा ही आसरा मजलिस का कार्यक्रम शुरू हो रहा है सभी ने मिलकर नारा बोलना है जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा आश्रम के सतब्रह्मचारी सौदार भाई प्रार्थना का भजन बोल रहे हैं जी इनके बाद प्रेमी महेंद्र पाल जी इंसान कल्याण नगर से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी धनन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रभु तेरे बालक हैं सारे ही हम प्रभु तेरे बालक हैं सारे ही हम नाम जप कर करें नाम जप कर करें अच्छे कर्म प्रभु तेरे बालक हैं सारे ही तेरे बालक हैं सारे धन धन सतगुरु तेरा शास्त्र प्रेमी विजय जी इनका भजन बोलने के लिए आ जाएंगे जो भी शासन पंडाल से बारह बजे जल्दी से
धनन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी विजय जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी लालचंद जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मन आवे हिचकी परदेस गए सतगुर की याद दिलावे हिचकी मन आवे हिचकी परदेस गए सतगुर की याद दिलावे हिचकी मन आवे हिचकी आंगन पेरड़ी जीजा का मीठा पेर मारे आंगन पेरड़ी जीजा का मीठा पेर इब कै सतगुर घर आवे तो जान नहीं क्यों फेर मन आवे सतगुर जी थारी याद दिलावे तीखा कांटा बीमारे आंगन पेरड़ी थी जाका तीखा कांटा सतगुर जी थारी याद सतावे हो 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 सतगुर जी थारी याद सतावे रातां कईयां काटा मन आवे सतगुर जी थारी याद दिलावे हिचकी काग मंडेरा तै सतगुर का बेरा लिया जी उड़ उड़ काग मंडेरा तै सतगुर का बेरा लिया मेरा हिया बुजल हो आया मेरा हिया बुजल हो आया मेरी हिचकी बढ़ती जा मन आवे हिचकी सतगुर की थारी याद दिलावे हिचकी मन आवे हिचकी सतगुर की थारी याद धनन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी लालचंद जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा
साडे उपर जो किते उपकार साडे उपर जो साडे उपर जो किता उपकार पिता शाह सतनाम जी जिता रूह नू जो मिठड़ा प्यार पिता शाह सतनाम जी जिता रूह नू जो मिठड़ा प्यार पिता शाह सतनाम जी पिता जी प्यारे सदा तेरे गुण गावा जी एक पल याद तेरी दिलों ना भुलावा जी सानू ताकत दे परवरदिगार सानू ताकत दे परवरदिगार पिता शाह सतनाम जी पिता रूह नू जो मिठड़ा प्यार पिता शाह सतनाम जी ਪਿਤਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿੱਠੜਾ ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਅਨਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖੜੇ ਉਠਾਏ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੀਤਾ ਭਾਰੀ ਉਪਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੀਤਾ ਭਾਰੀ ਉਪਕਾਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਪਿਤਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿੱਠੜਾ ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਪਿਤਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿੱਠੜਾ ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਉਪਕਾਰ ਸਾਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਗਿਣਾਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸਾਂ ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਮਾਇਆ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਅਪੁਰਮ ਪਾਰ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਅਪੁਰਮ ਪਾਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਪਿਤਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿੱਠੜਾ ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿੱਠੜਾ ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਚਰਣਾ ਚ ਸਦਾ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਚਰਣਾ ਦੀ ਧੂੜ ਰਹੇ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਮੀਤ ਜੀ ਮਿਹਰ ਸਦਾ ਰਹੇ ਮਿਹਰ ਸਦਾ ਰਹੇ ਮਿਹਰ ਸਦਾ ਰਹੇ ਆਪ ਦੀ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਪਿਤਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿੱਠੜਾ ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿੱਠੜਾ ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿੱਠੜਾ ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ
ਦਿੱਤਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿੱਠੜਾ ਪਿਆਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਦੁਪਹਿਰ ਘਟਾ ਕਣ ਕੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਮਸਤ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਦੁਪਹਿਰ ਕਟਾ ਕਣ ਕੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਮਸਤ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਦਿਲ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਦਿਲ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਗੀਤ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਉੱਡੇ ਅੰਬਰਾਂ ਚ ਅੰਬਰਾਂ ਚ ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਬੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਡੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਾਂ ਦਿਲ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਿੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਮੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਤੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਦਿਲ ਕਰੇ ਨੂਰੀ ਮੁਖ ਰਹੀਏ ਤੱਕਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਕਰੇ ਨੂਰੀ ਮੁਖ ਰਹੀਏ ਤੱਕਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੀਵਾਨੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨੱਚਦੇ ਰੂਹ ਨਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦਾਤਿਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਤਾਰਿਸ਼ ਦੀਦਾਰ ਦਾਤਿਆ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਓ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਬਹਾਰ ਦਾਤਿਆ ਰੂਹ ਸ਼ਾਸਤ ਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਰੂਹ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਦੁਪਹਿਰ ਘਟਾ ਕਣੀ ਕੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਮਸਤ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਹੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਹੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਬਹਿਨ ਪੁਸ਼ਪਾ ਇੰਸਾ ਐਮ ਐਸ ਜੀ ਐਡਮ ਬਲੋਕ ਸੇ ਪੂਜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੀ ਰੂਹਾਨੀ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਵਹਾਂ ਕੇ ਕੁਛ ਅਨੁਭਵ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭੀ ਸਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਚੌਦਾਰ ਭਾਈ ਪੂਜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੇ ਆਗਮਨ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਂ 21,000 ਰੁਪਏ ਦੀਨ ਦੁਖੋਂ ਕੀ ਮਦਦ ਮੇਂ ਪਰਮਾਰਥ ਮੇਂ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਸੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਕੀ ਓੜਨੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਮਨ ਲੱਗੇ ਮਾਲਿਕ ਆਪਕੋ ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਆਸ਼ਵਾ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਆਸ਼ਵਾਦ ਆਸ਼ਵਾਦ ਔਰ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਾਲਿਕ ਠੀਕ ਰੱਖੇ ਬੇਟਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਤੋ ਆਪ ਸੁਣਾਏ ਬੇਟਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी सृष्टि का उद्धार करने आए वाली दो जहां प्यारे पिताजी ने अपनी इस रूहानी यात्रा के दौरान देश विदेश की अनगिनत रूहों का उद्धार किया कई हजारों रूहों को नाम दान देकर सचखंड का अधिकारी बनाया और इस तुच्छ बुद्धि के अनुसार लाखों करोड़ों रूहों को अपनी दृष्टि से ही उद्धार कर दिया प्यारे पिताजी ने जहां से भी पिताजी गुजरते लोगों का हुजूम पिताजी को घेर लेता जहां पिताजी इस देश रूप में पहली बार गए वहां भी ऐसा लगता था जैसे मालिक के प्यारे एक तकी लगाए अपने मालिक पिया को निहार रहे हों कोई आगे आ जाता तो वो दूसरा उसे पीछे खींच लेता और वो इतना परेशान हो जाता कि जैसे पता नहीं मेरा कुछ छीन लिया गया हो और फिर किसी दूसरे के वो उसके आगे हटके उसके आगे आ जाता और ये नजारा वाकई ऐसा लगता था कि एक पल के लिए भी वो सद्गुरु से अपनी नजरें हटाना नहीं चाहते थे
ऐसे सतगुरु प्यारे के दर्शनों की होड़ लग जाती थी लोगों में, लगता ही नहीं था कि ये नई जगह है। जैसे पिताजी यहाँ बाहर आते हैं तब संगत दर्शनों के लिए भागती है, तड़पती है, उससे भी कहीं ज्यादा तड़प वहाँ के लोगों में देखने को मिली, जो वह भी नाम लेने से पहले। प्यारे मुर्शिद का नूर से दमकता चेहरा व नूरी आकर्षण लोगों को अपनी ओर खींचे चला जाता था। कई कई घंटों लोग पिताजी के पीछे पीछे रहते और हम सोचने पर मजबूर हो जाते कि पिताजी ने बिना नाम दिए इन्हें ऐसा क्या पिला दिया है। वाकई सतगुरु ने बिना नाम दिए ही अपने दर्शनों से उन्हें सब कुछ पिला दिया था। कई तो गाड़ियों के पीछे पीछे हो लेते, एक जगह से दूसरी जगह जब पिताजी पहुंचते तो ना जाने कैसे वो थोड़ी देर के बाद वो भी वही नजर आने लग जाते थे और पूरा पूरा दिन पिताजी के पीछे गुजार देते थे। क्या मीडिया, क्या हाई जेंट्री, क्या मिडिल क्लास, हर कोई सतगुरु प्यारे का दीवाना होता चला जा रहा था। जहां से पिताजी गुजरते वहां जाम लग जाता। मीडिया वाले कई बार जाम देखकर पहुंचते और कहते कि हम जानना चाहते हैं ऐसे कौन वीआईपी आए हैं यहां पर। कई पूछते कौन है यहां, क्योंकि इतनी भीड़ तो किसी मिनिस्टर या हीरो के आने पर भी नहीं लगती। और कई बार लोगों को आपस में जवाब देते सुना, पता नहीं ये कौन है पर जो भी है गजब का अट्रैक्शन है, नजर हटाने को जी नहीं करता। और कहते देखो देखो यहां से देखो, फिर अगर उसे नहीं नजर आता तो वो उसकी गर्दन पकड़ के अपने आगे से उसे दिखाने की कोशिश करते और फिर खुद बिना पिताजी से नजर हटाए दूसरे की नजर पिताजी पे अटका देते थे। और सिर्फ इंसानी रूहें ही नहीं पिताजी से आकर्षित थी, पक्षियों की चहचहाट भी मालिक को अपना प्यार जताती पाई गई। एक जगह जहां पिताजी होटल में रुके थे वहां सुबह सुबह पक्षी चहचहाते थे, तो जब भी पिताजी बाहर आते तो आने से पक्षियों की चहचहाट बेहद सुरीली हो जाती और उससे हमें भी पता चल जाता था कि अब पिताजी बाहर आ गए और हम लोग भी खिड़कियों में पहुंच जाते थे। तो जैसे वो अपने मालिक के दर्शनों को निहाल होकर गा रहे हों, इस तरह से इतनी ज्यादा बेहद सुरीली आवाज में वो गाने लग जाते थे। लेकिन जिस दिन पिताजी ने वहां से जगह बदलनी थी उस दिन एक अजीब घटना घटी कि उन पक्षियों की कोई भी आवाज चहचहाट सुनने को नहीं मिली, जैसे उन्हें पता चल चुका था कि आज उनके मालिक मुर्शिद प्यारे यहां से जा रहे हैं। सुबह से ही पक्षियों की चहचहाट बिल्कुल बंद थी, जैसे कि उनकी जुबान ही नहीं है। वहां के होटल के लोगों को भी कुछ समय पहले ही पिताजी के जाने का पता चला कि पिताजी यहां से किसी और जगह प्रस्थान कर रहे हैं, तो तकरीबन सभी लोग नम आंखें लिए थे और लोग वहां पर काफी लोग तो रोए जा रहे थे, जैसे कि पता नहीं उनका क्या चला गया है यहां से, और यही कहे जा रहे थे कि गुरुजी क्यों जा रहे हैं, बाबा जी से तो अभी हमें बहुत सारा मिलना बाकी है, बाबा जी को कहो अभी नहीं जाने का, हमें बाबा जी से बहुत मिलना है, हमें बहुत बातें करने का है। जहां जहां भी पिताजी जाते पिताजी नाम की दात बख्शते, तो बहुत से डॉक्टर्स इंजीनियर्स वीआईपी पिताजी से मिले और सभी ने कई जगह पर उसी टाइम वो पिताजी से अर्ज करते और सतगुरु प्यारे ने अपनी तड़पती रूहों को बुलाया होता है और वहीं बैठे बैठे पिताजी उन लोगों को नाम फरमा देते जिनमें से कितने वीआईपी लोग हुआ करते थे। और उसके बाद जो नजारा था जब वो लॉकेट और पिताजी के स्वरूप हमारे पास देखते तो वो लॉकेट और स्वरूप के लिए इतना बुरी तरह से उमड़ते थे कि नहीं हमें दो। जब मैं उनको एक एक लॉकेट देती तो नहीं नहीं आप हमें सारे परिवार के लिए लॉकेट दो, हम तो सारे परिवार के लिए लेके जाएंगे, और सब लोग सारे सारे परिवार के लिए लॉकेट लेकर जाते। और जब वो लॉकेट अपने हाथ में लेते तो उन्हें ऐसे चूमते, छाती से लगाते, माथे से लगाते, जैसे वाकई की पता नहीं उन्हें हकीकत में सतगुरु प्यारे ने वो रूप दिखा दिया होता है कि वो मालिक की तड़पती रूहें होती हैं। और वो एहसास कराते थे हमें भी कि देखो हमें हमारा खुदा मिल गया, हमें हमारा मालिक मिल गया, हमें हमारा भगवान मिल गया। टूर के दौरान गुड़गांव में जब पिताजी ने 8-6 को नाम दिया था तो उस दौरान एक बात जो देखने को मिली कि कई लोगों के मेरे पास फोन आए
कि वो नए लोग थे और क्योंकि उनसे पहले जब बात की हुई थी तो उन्होंने बताया कि हम दिल्ली आए हुए हैं और हम आज ही दिल्ली पहुंचे हैं, तो आप हमें बताओ कि अगर कल हम सिरसा जाएंगे तो क्या गुरुजी हमें मिल जाएंगे और हमें गुरुजी से नाम लेना है। तो साध संगत जी, अपनी रूहों को पिताजी ने किसी भी बहाने से जहां नाम देना होता है वहां बुलाकर पहले ही बिठा लेते हैं, तो वो इतने खुश हुए कि क्या सच्ची, और बार बार हैरान थे कि हमारे लिए गुरुजी यहाँ आकर नाम दे रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा तड़फ थी और वहां पर भी कई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वीआईपी लोगों ने, ऑफिसर्स ने नाम लिया। जहां पिताजी एरोप्लेन से जाते तो वहां एरोप्लेन में एयर होस्टेस, कैप्टन सभी पिताजी से मिलने के लिए उतावले रहते। आम पैसेंजर्स भी पिताजी से नजर नहीं हटा पाते थे कि वो पीछे मुड़ मुड़कर या आगे, कई जगह पे तो लोग उठ उठकर सामने जाकर दर्शन करके फिर पीछे मुड़ के आके बैठा करते थे। और लोग कहते थे कि मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है कौन, ये वाकई इतना अट्रैक्शन है जो हमें अपनी ओर खींचे जा रहे हैं। और एक जगह में तो एक कैप्टन ने पिताजी को साथ लेकर पूरा एरोप्लेन घुमाया और उन्होंने पिताजी को कहा कि मेरे पास थोड़ा सा ही समय है अपनी जॉब का, उसके बाद मैं आपके पास ही रहूंगा। जहां पिताजी गए थे वहां पर एक जगह पे बहुत ही काफी एजुकेटेड लोग थे, तकरीबन सभी पढ़े लिखे लोग थे, तो पहली बार वहां मैंने ये देखा कि पिताजी से जो भी लोग सवाल पूछते वो रूहानियत के बारे में ही पूछते, कोई भी बीमारी या परेशानी के बारे में नहीं पूछता था, क्योंकि सद्गुरु प्यारे ने रूहानियत की इतनी गहरी तड़फ उनके अंदर जगा दी थी कि वो कुछ और पूछते कैसे, उन्हें तो अपने सद्गुरु मालिक की ही तलाश थी। तो उन्हें लोगों को लग रहा था और वो कह भी रहे थे कि उन्हें पहली बार ऐसे स्वामी मिले हैं जो जिन्होंने उनकी रूहानियत की प्यास बुझाई है, और उन्हें लगता है कि बस अब इनसे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। नाम लेने से पहले जब पिताजी को देखते तो उनके यही विचार होते थे, और जब उसके बाद वो पिताजी से मिलते तो बस फिर बोल पाते ही नहीं थे कि अब क्या कहें, बस गुरु जी, स्वामी जी, स्वामी जी से आगे कई बार कईयों को तो वैराग के आंसू ही नजर आते थे। और वाकई उन लोगों को पूर्ण मुर्शिद की तलाश थी कि पिताजी को पाकर वो निहाल हो रहे थे। किसी भाई ने कहा कि स्वामी जी, पहली बार हम ये सुन रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि कोई गुरु यह कह रहे हैं कि सब धर्म बराबर है, वरना एक आता है एक धर्म के बारे में प्रचार करते हैं, दूसरे आता है दूसरे के प्रचार करते हैं, और आपस में लोगों को धर्मों के नाम पर लड़ाते हैं। पहली बार हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि किसी फकीर ने सब धर्मों का साझा प्रचार किया है और सबको आपस में प्रेम करना सिखा रहे हैं। वहां लोगों ने पिताजी से अर्ज भी की कि जैसे किसी मतलब हॉल वगैरह में जब पिताजी नाम देते थे तो उन्होंने पिताजी से अर्ज भी की कि ये तो बहुत छोटे लेवल पे है, यहाँ पे बहुत कम लोग आपका फायदा उठा पा रहे हैं, आप अपने इस समागम को लार्ज लेवल पे करो ताकि लोग यहाँ पर पूर्ण संतों को पाने के लिए तड़प रहे हैं, ताकि वो आपको पा सकें, इसलिए आप अपना समागम लार्ज लेवल पे बढ़ाओ स्वामी जी। और कई जगह ऐसी होती थी जहां हम लोग पहले पहुंच जाते थे और लोगों को जब पता चल चुका था तो वो देखते कि पिताजी वहां नहीं आए हैं तो पूछने लग जाते स्वामी जी कहाँ हैं, स्वामी जी कहाँ हैं, और वो आगे की उनकी नजरें रास्ते पे टिकी होती थी कि कब स्वामी जी की गाड़ी आएगी, कब स्वामी जी उतरेंगे। और कुछ टाइम के बाद लोग ज्यादातर कहने लग गए थे कि ही इज किंग ऑफ हरियाणा, ओके ही इज किंग ऑफ हरियाणा। वहां के लोगों को हिंदी समझ नहीं आती थी, लेकिन जब हम उनसे बात करते थे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता था, पर जब पिताजी उनसे बात करते थे तो वो इतने ध्यान से सुनते और उन्हें पूछते कि उन्हें समझ आ गया, तो कहते हाँ जी हमें समझ आ गया। एक बार की बात है कि एक मीडिया वाले पर्सन थे, वो पिताजी से मिल रहे थे, तो लोकल मीडिया रिपोर्टर थे वो, पे शौकत अली नाम था उनका। जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की तो मैंने उनसे पूछा कि हिंदी, कहते नो हिंदी, नॉट एट ऑल, ओनली इंग्लिश। तो मेरी उससे बात हो गई। उसके बाद जब पिताजी आए तो पिताजी जब उनसे बात करने लगे तो हिंदी में वो बात भी थी, उसको समझाए जा रहे थे जो जो क्वेश्चन वो पिताजी से पूछ रहा था। तो साथ में वो रिपोर्टर, उसका जो रिपोर्टर था वो मेरे फोटोग्राफर था सॉरी वो मेरे साथ में खड़ा हुआ था, और वो मुझे कहे मैडम इसको हिंदी नहीं आता, मीन्स वो इंग्लिश में बोल रहा था, मैडम इसको हिंदी नहीं आता, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। तो अब
मैं एकदम चुप रहती, वो फिर मैं उसकी तरफ इशारा करती कि रहने दे, वो फिर मेरे कान में कि मैडम इसको कुछ नहीं समझ आता, आप इसको ट्रांसलेट करो। मैं परेशान हो गई उसे और उसको रिक्वेस्ट करती कि एक मिनट आप रुक जाओ। और जब पिदी से उसकी बात हो गई और पिदी ने उसको प्रसाद दिया, वो बाहर आया, तो मैंने उससे पूछा कि आपको सब समझ आ गया? अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, एवरीथिंग अंडरस्टूड, ऑल थिंग्स क्लियर, सब कुछ समझ आ गया मुझे। और बहुत ज्यादा खुश था पिताजी, तो नजरों से पिलाकर जा रहे थे उसको, तो इतनी सारी बातें और इतना प्रसाद देकर न जाने सद्गुरु ने उसे क्या पिलाया। एक भाई वहां मिला, वह कहने लगा कि प्लीज गुरुजी से रिक्वेस्ट करो कि हमारे यहाँ स्कूल में गुरुजी आए, हमारे पास 2-3 हजार बच्चे भी हैं और हमें मेडिटेशन बताएं। और कहता है मैं तो गुरुजी को अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। और लोग पीछे पीछे हो जाते कि नहीं मेडिटेशन हमें भी बताओ, हालांकि उन्हें कुछ नहीं समझ आता था, सिर्फ जब हम उन्हें बताते कि मेडिटेशन बताते हैं गुरुजी, तो बस उनको ये था कि किसी भी तरीके से हम पिताजी के आमने सामने ही खड़े रहे, वो हटकर जाना ही नहीं चाहते थे। और जहां से भी पिताजी गुजरते तो कुछ लोग पिताजी को अंगूठे से वेव करते, लाइक कि पिताजी की तरफ देखते रहते कि हाँ ऐसे अंगूठा दिखाते कि बहुत हैंडसम लग रहे हो, कोई किसी तरीके से वेव करता, कोई किसी तरीके से, और हर कोई ये चाहता था कि बस हम अपने सतगुरु मालिक को स्पर्श कर लें। और वहां पे सतगुरु प्यारे के चोज देखो कि जब वो पिताजी को स्पर्श करने की कोशिश करते, कोई कर कमल पकड़ता, कोई कुछ, कई लोग कोशिश करते कि हम कहीं से, और वहां पर क्योंकि इतनी ज्यादा उनमें तड़प थी तो पिताजी के कर कमलों को कई एक एक बार इतने इतने 7 लोग पकड़ लिया करते थे। और जब पिताजी गाड़ी में बैठ गए तो भी लोग ऐसे तड़प रहे थे कि हम स्पर्श करें, तो सतगुरु प्यारे ने अपना हाथ ही बाहर निकाल दिया कि ये लो जी आपने जो करना है। एक जगह हम लोग गए, वहां पे बहुत मुस्लिम, जहां पे पिताजी पहुंचे वहां पे मुस्लिम फैमिली थी, तो वो छोटी छोटी लड़कियां थी मुस्लिम फैमिली में, जब उन्होंने पिताजी को देखा तो इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हो गई और वो पीछे पीछे चली आई कि आप हमें बताएंगे कि इनमें ऐसा क्या है जो हम हट ही नहीं पा रहे, बार बार हो जाती। और जहां पर भी जाते, इसी के बीच में एक बात और कह रही हूँ, जहां भी हम जाते लोगों को ये होता कि हमने इनके साथ फोटो खिंचवानी है, और कहते प्लीज आप इनके साथ हो, आप स्वामी जी को कहो ना कि हमारे साथ एक फोटो खिंचवा लें। हमारे हर कोई कोशिश करता कि हमारी पिताजी के साथ स्वामी जी के साथ फोटो होनी चाहिए। तो ऐसे ही जब वो मुस्लिम फैमिली थी, मुस्लिम वो लड़कियां थी, वो कहने लगी कि आप कुछ भी करो, आप कुछ भी ले लो चाहे, लेकिन हमारे स्वामी जी के साथ फोटो खिंचवाने दो। फिर जब हम कहते कि नहीं कोई बात नहीं, आप देख लेना बाद में कर देंगे, तो कहते अच्छा आप ऐसे करो कि हम अकेले स्वामी जी की फोटो खींच लेते हैं, आप साइड से हट जाओ। और फिर वो पिताजी को मिलते, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जितना जैसे भी होता। और सतगुरु प्यारे तो अपनी रूहों के लिए, जैसे पिताजी ने इनके अंदर तड़प भरी थी, तो जब पिताजी उन्हें जवाब देते तो वो खुशी में नाच उठते और फिर बार बार हमारे रूम्स में आ जाते कि हमें स्वामी जी के बारे में, फकीर के, पीर फकीर के बारे में और बातें बताओ। जैसे सिर्फ इंसानी रूहों की ही बात नहीं है, जब हम पिताजी जहां बीच पर जाते तो वहां भी एक अद्भुत नजारा देखने को मिला कि पहले जैसे समुद्र बिल्कुल शांत था और जैसे ही पिताजी बीच की तरफ बढ़ने शुरू हुए तो समुद्र की लहरें उमड़ उमड़कर पिताजी को छूने की भरसक कोशिश कर रही थी। और ऐसा लग रहा था कि बस बेताब हैं, तड़फ रही हैं अपने सतगुरु प्यारे को स्पर्श करने के लिए। और जब हम लोगों को बताते, जब शाही बेटियों के बारे में लोग सुनते, जब उनको देखते तो वो बातें करते, और जब हम और अपने 70 कार्यों में बताते कि ये कार्य गुरुजी की रहमत से वहां चल रहे हैं, गुरुजी की प्रेरणा से गुरुजी ने ये चलाए हुए हैं, तो लोग हैरान हो जाते कि जब शाही बेटियों को ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने सारों को गुरुजी ने अडॉप्ट किया और फिर उनको बाई एयर लेकर आ रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। एक इंसान के 2 बच्चे होते हैं, वो उनके लिए इतना खर्चा नहीं उठा सकता। वाकई स्वामी जी तो बहुत ग्रेट है, बहुत ग्रेट है। और सब हैरान होते हैं। फिर जब आसरा आश्रम के बारे में बताया, अच्छा ऐसा भी, लोग बिलीव ही नहीं कर सकते थे, कहते हम बिलीव ही नहीं कर सकता, पर क्योंकि हम इनको सामने देख रहे हैं और जब हमने स्वामी जी को देख लिया तो हमें मानना पड़ रहा है कि हाँ स्वामी जी हैं, भगवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जहां जहां से भी पिताजी रुकते, जहां भी हम लोग रुकते, वहां के लोग
डेली मतलब ज्यादातर हम लोगों को कहते हैं आप गुरुजी को बोलो, फिर एंड में खुद भी विदेही से रिक्वेस्ट करते कि नहीं गुरुजी आप हमें नाम देकर जाओ, हमें गुरुमंत्र देकर जाओ, हम आपको जाने नहीं देंगे। और कुछ लोग तो देखकर ये पूछ यही उनको होता था कि इतना ज्यादा ग्लो कि गुरुजी जब हमारे पास से गुजरते हैं तो उन्हें अगर हम वो कहते हैं अगर हम नहीं भी देखते तो हमें एहसास होता कि यहां से क्या ऐसा गया है कि जो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, उन्हें एक अलग से खुशबू आती थी। और फिर उन्होंने बताया कि जब हमने देखा तो हमने देखा सामने से स्वामी जी गुजर रहे थे और पिताजी थोड़ी दूर पर थे, फिर भी वो कहते इतना अट्रैक्शन। तो पिताजी की रूहें थी, सद्गुरु ने हैं जैसे कि पिताजी ने अपना जरिया खुद ही बना रखा होता है कि कैसे हमने रूहों को निकालना होता है। जहां पर भी जाते हैं सिर्फ बहाना होता है सद्गुरु का जाने का अपनी रूहों को लेने के लिए। और हम तो अपनी इस तुच्छे बुद्धि से वहां तक सोच भी नहीं सकते कि जो जो कुछ देखने को मिला उतना ही मैं अपनी तरफ से बता पाई हूँ। और पिताजी बहुत कुछ रह भी गया है जो एकदम से समझ नहीं आ रहा, और पिताजी कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए। धन धन सद्गुरु तेरा जी। तो प्यारे सत्संग जी ये तो सभ्य गुरु जी की रहमत है, उनके वचन वो वचन झूठे कैसे हो सकते हैं। आपको कई बार बताया है हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, सेवकों के सेवक हैं, आपके जूते चप्पल में बैठने को तैयार है, हमें कोई मान बढ़ाई नहीं। पर सतगुरु मौला ने ये वचन किए, किसी ने पूछा था किसी आदमी को देख के कि जिनको गुरुगद्दी पे बिठा रहे हैं क्या वो इस जैसे हैं। तो भी प्रभा जी पूरा जोश में आ गए, कहते इस जैसे ये तो आम गंदगी का पुतला है, हम ऐसा लाएंगे ऐसा लाएंगे लोग खड़खड़ देखेंगे। तो वो वचन है इसमें ना तो हमारे बस में कुछ है ना किसी आदमी के बस में कुछ है, वो सतगुरु मौला का जो वचन है वो 100% काम करता था कर रहा है और पता नहीं कितने गुना बढ़ के काम करना है। और ये हकीकत है, वो लोग चलते चलते ठिठक जाते थे, भाई प्रभा जी जाने क्या जादू चलाता था मेरा मौला रहबर, और नाम के लिए बड़ी तड़फ उन लोगों में है क्योंकि हम एक जगह नहीं रुके, कम से कम दो तीन जगह चार जगह शायद चेंज किया, लगातार बदलते रहे, कहीं जाते बस एक दो बार इसीलिए जाते थे ताकि पता चले। और फिर काफी मशहूर शहर थे, बड़े शहर थे, तो उनमें फिर जाम लगना शुरू हो जाता, शुरू से ही लग जाता कि नाम लेना है नाम लेना है। हर कोई पूछता है, जैसे इस गुड़िया ने बताया कि नाम गुरु मंत्र आप कब देंगे, कलमा कब देंगे। और जिन्होंने नाम लिया आपको बता दें अगर 100% माने तो 40% मुसलमान होते थे, 40% ईसाई होते थे और 20% हिंदू होते थे। जब उनके फार्म वगैरह भरे तो सेवादार ने हमें बताया पिताजी यहां तो हैरानी की बात है, हालांकि बराबर तीनों हिंदू मुस्लिम और ईसाई वहां एक जैसे हैं, एक जैसी गिनती है उनकी, लेकिन नाम वालों में सबसे ज्यादा मुसलमान और ईसाई लोग नाम लेते थे। और हमें इनवाइट करते, एक ने तो बहुत ज्यादा इनवाइट किया कि घर में आना, उसको पता चला माता जी आए हैं, बच्चे हैं, सबको लेके आना, गुरु जी जरूर आना जरूर। हमने कहा बेटा जरूर आएंगे अगर टाइम लगा, और बाई चांस वहां टाइम लगा ही नहीं। उसने फिर कार्ड भेजा, जल्दी बोलो गुरुजी को मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, मेरी दुकान है, गुरुजी आ जाओ बस एक बार आ जाओ। तो नहीं जाना हो पाया, लेकिन ऐसा ही बेपरवाह जी जाने, हालांकि वो बहुत बड़ा दुकानदार, बहुत ईसाई भाई थे, वो बहुत अच्छा था, पूरा एरिया का वो हेड था। तो कहने का मतलब चाहे गरीब था कोई तुरे चले जाते, गरीब वहां जैसे कोई कहीं होटल में रुकते हैं तो जो झाड़ू लगाते हैं, हमने तो सबको हाथ ही जोड़ना है, वो रोने लग जाते। हमें बताने लगे शायद हम बच्चे कि पिताजी पापा जी ये रो रहे थे और कह रहे थे बड़े VIP आते हैं लेकिन वो तो सिर्फ MD से ही बात करते हैं, और ये तो हम झाड़ू वालों से भी हाथ जोड़ के बात करते हैं, बेटा कोई बात करनी है, बेटा कुछ बोलना है, ये कौन है, ये VIP नहीं, ये तो कुछ और ही है, कोई कुछ ऐसा जिंदगी में सोचा ही नहीं। तो ये परम पिताजी जाने, सतगुरु मौला जाने, क्योंकि हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, और सबके लिए यही दुआ करते हैं, मालिक सबको खुशियों से नवाजे। और जो भी सेवादारों ने यहाँ पे सेवा की है और परमानेंट काफी देर तक लगातार सेवा में रहे हैं, सेवा सिमंड सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक उनकी झोड़ियों में डाले, घरों में खुशियां बख्शे, अंदर बाहर कोई कमी ना छोड़े। क्योंकि जो भी सेवा करता है कुंज कितनी भी दूर रहती है ध्यान बच्चों में ही रहता है। तो हमारे तो सदगुरु मौला ने हर जगह बच्चे बिठा रखे हैं, हर जगह ध्यान रहता है, बस आपका ध्यान अगर है तो आपको एहसास हो जाएगा, अगर आपका ध्यान कहीं और है
हमारा ध्यान तो सतगुरु मौला आप में रखवाते ही हैं, तो फिर आपको एहसास नहीं होगा। ये यही हकीकत है। तो जो भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल के सेवादार यहां रुके हैं, मालिक बेहद खुशियां दे, परिवारों में भी खुशियां दे और कोई कमी ना छोड़े। अमरप्रीत सिंह इन सब विनीत कनाडा से आए हैं। आशीर्वाद बेटा, स्वागत जी आया, प्रसाद ले लो, मालिक खुशियां दे बेटा, आशीर्वाद। और जाने वाले सेवादार कुछ जाना चाहते हैं जी, 25 मेंबर भाई बहन खड़े हो जाएं, सेवा समिति वाले, सिक्योरिटी वाले और जो टूर से वापस आए, प्रसाद ले जाना, सारे परिवारों को आशीर्वाद करना, सेवा सुन का फल दे, मालिक खुशियां दे बेटा, प्रसाद ले जाना और मालिक रहमो करम से नवाजे, आशीर्वाद आशीर्वाद बढ़ जाए बेटा। और भी घर जाने वाले सेवादार हैं, 7 से 61 दिन वाले खड़े हो जाओ, ब्लाक महमूदपुर रोही से 35, कुकड़ा वाले से 10, अमरजीतपुर से 19, जितनी सेवा की है, सेवा सुमन का फल बढ़ के मालिक दे, घरों में खुशियां दे, सेवा सुमन में मन लगे सबका, तो प्रसाद ले जाना, नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। बीमार बीमारों का प्रसाद लेके जाना है, मालिक से दुआ करके प्रसाद देते हैं। और जितनी बार दवा लेनी है, पहले आधा घंटा नाम जपना, कैंसर या लाइलाज बीमारी, दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। और खाने पीने में अनजाने में गलती हुई, बैठे बैठे नाक लगा दो, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में 3 परहेजों में अगर गलती हुई है, मालूम है कि गलती हुई है, तो वो खड़े हो जाओ, इधर उधर मत देखो, जल्दी से खड़े हो जाओ, मालिक से आपको माफी दिलवानी। हाँ जल्दी करो, खड़े रहना है, बैठना नहीं, तो आपको आशीर्वाद आशीर्वाद। गलती कभी नहीं करनी चाहिए, खुशियां चली जाती हैं, पर सच्चे दिल से तौबा करोगे तो मालिक फिर से खुशियां देंगे। सुन जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सारे सरदार जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना मिलती थी, अगर के अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। और प्यारे सत्संग जी, जैसा आपको मालूम है, सत्संग नहीं हो पाया महीने का लास्ट, लगभग जून में तो एक दो बार हो चुका है ये, तो वो सत्संग 8 जुलाई का है जो महीने वाला था, तो आप आगे से आगे बता सकते हैं, कोई गुरुमंत्र नाम वाला रह रहा हो और वहां हजारों लोगों ने नाम लिया, नई जगह होती है, नई जगह में एक तो हॉल कई जगह पे छोटे थे और कई जगह पे टाइमिंग का पता नहीं चल पाया। एक जगह के लगे शाम को वहां काफी सत्संगत हो गई, किसी ने बोल दिया सुबह, तो सुबह वहां लोग बहुत कम आ पाए, तो इस तरह हर कोई नाम लेना चाहता था, लेकिन वहां लगातार बरसात हो रही थी, मौसम इस तरह का था कि बाहर पंडाल नहीं था और हॉल जो था एक जगह तो 250 का था, वहां 300 कुछ लोग आ गए, कहीं पे 500-600 का था, 700 का था, वहां 600 कुछ लोग आ गए, और एक जगह काफी बड़ा हॉल था लेकिन उसमें टाइमिंग का चक्कर पड़ गया, सुबह का टाइमिंग रखा गया तो उसमें लोग नहीं आते सुबह, उन्होंने बाद में बताया, तो उसमें भी 400-500 लोग नाम के लिए आए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल नई जगह हो, यहां कोई सच्चे सौदे का नाम ही ना जानता हो और वहां लोग इतना उमड़ उमड़ के नाम ले रहे थे। अब हम लास्ट में 1-2 दिन ही रुके थे एक जगह, और वहां के जितने भी वीआईपी थे या कोई बड़े लोग थे, गुरुजी नाम नहीं देने का, हमने कहा बेटा शाम को पहुंचे जरूर देखेंगे, कल को देखते हैं, अब अगले दिन आना था तो अब नाम नहीं देने का, हमने कहा बेटा अब तो नहीं देने का, फ्यूचर में आएगा आपको नाम देगा पक्का, मैंने कहा पक्का। तो बड़ा हंसने वाली बात होती थी, बोलते वो बड़ा एक अलग तरह की हिंदी थी, तो हमें भी वैसी बोलनी पड़ती थी, तो वो हमसे एक बात कर रहा था, तो कहता है गुरु जी क्या काम करता है, तो हमने कहा भाई लोगों को सुधारने का करता है, तो उसके लोगों अपने साथ संगत सेवादार कई बेचारे वहां दिन रात सेवा करते हैं, उनका और कोई काम नहीं होता, लोगों को बताना समझाना, कहते गुरु जी आप इतना काम करता है, अच्छा करते ना गुरु जी, हमने कहा हाँ भाई पता नहीं ये तो पता नहीं, नहीं नहीं बहुत अच्छा करते ना, वो हमसे पूछते कि आप अच्छा करते हैं क्या, तो मतलब उनको हिंदी नहीं बोलनी आती इसलिए अच्छा करते हो ना, हमने कहा हाँ अच्छा करते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी बातें चलती रहती। तो कई बार जिसमीत था साथ में, बच्चे लड़कियां थी, कह रही थी पापा जी हमें ये डर से लगने लग जाता है कि आप तो इधर के ही हो, हमारे तो उधर के तो हो ही नहीं, कहते हमारा जी सा औखा होता है, हमने कहा बेटा आपका होता है, हमारा तो अच्छा होता है,
कि ये बच्चे कहते नहीं नहीं हमें लगता कि पापा जी तो इधर के ही हैं, उनकी भाषा बोलते बोलते. तो इस तरह वहां जो भी कोई होता वो हर कोई, जब हम लास्ट में दो दिन रुके तो वहां बस यही चर्चा. गुरुजी पीछे से फोन आ रहे हैं, एक बड़ा फेमस गुरु है वो जिस जिधर जाता है लोगों को पीछे लगा लेता है, कोई जादू है उसके पास. मैं कोई जादू जूदू नहीं है, हमारे पास तो राम नाम है, वो सतगुरु मौला ने बख्शा, हम तो कुछ नहीं आम इंसान है. तो बेचारे आंखें भर आते, कहते नहीं नहीं गुरु जी आप हमसे भी बात करता है, हमें लगा था हमसे नहीं करेगा. बेटा हम तो हमारे जो सारे बच्चे हैं, और एक बच्चा वहां जहां हम रुकना था एक कमरा, एक रात रुके वहां, तो वो कमरे तक छोड़ने आया और फिर हाथ बांध के खड़ा रहा. हम बातें करते रहे बाहर खड़े खड़े. हमने कहा ये कौन खड़ा है, ये कोई ब्रह्मचारी है या सब्रह्मचारी है, हाथ जोड़े यूं. कहते गुरु जी अंदर जाएगा तो जाएगा, क्या पता कोई चीज की जरूरत पड़े तो. तो हमने कहा बेटा हम सोने जा रहे. कहता अच्छा आप जाइए मैं फिर जाएगा. तो हम अंदर गए, फिर वो चला गया और सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग घूमता फिरे, गुरु जी कब बाहर आएगा. तो आया वो गाड़ी सी लेके आया अपनी, और फिर खाना खिलाने. हम जरा सी बात कहते, ऐसा तो सेवादार कोई खास होता है वो समझ पाता है रमज को, लेकिन उसने नाम नहीं लिया. और एक ही दिन हुआ एक रात, तो वो जो हम जरा सा इशारा करें फट बात समझे, दौड़ के जाए मैं अभी गया अभी गया. दूसरे उसके साथी देखे इसको कैसे पता चलता है. तो ये पता नहीं कौन सी रूह कहाँ कैसी होती है, ये तो सतगुरु मौला जानता है. बेपरवाह जी वहीं लेके जाते हैं. साथ वालों के लिए घूमना है और हमारे लिए लोगों में एक बीज छोड़ के आना है. और अब जब जाएंगे तो वो पौधे फल फूल देंगे. एक बार बीज डाल दिया है बेपरवाह जी फरमाया करते. तो सदगुरु हम तो खाकसार हैं भाई, हमारा तो सदगुरु मौला डाडा है, वो सब कुछ करवा रहा था करवा रहा है और हमेशा करवाता रहेगा जी. तो अब जिनके परिवार में किसने चूल्हा छोड़ा, ऐसे दो परिवार आए हैं जी, खड़े हो जाएं. एक ने नाम नहीं लिया था, जिसने नाम नहीं लिया परिवार वाले घंटा सुबह शाम लगातार सुमण करें दो तीन महीने, तो कुछ ना कुछ मालिक रहमत करते हैं. और नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी. तो अस्थियां लेके आए, जिसने नाम लिया होता वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज नाम सचखंड सतलोक नाम में जाती, बाकी अस्थियां फूल लेके ये तो मिट्टी है. कहीं भी नहर नदी में या अपने खुद के खेत में गहरा गड्ढा खोद के दबा दें या नहर नदी में बहा दें. तो प्रसाद लेने जो जख्म देता है मरना भी जरूर देगा, सो मालिक आपको ताकत दे. प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी. और सात संगत में कोई नशा छोड़ने है, सात दिन के लिए यहां पे रुक जाओ. परिवार का एक आदमी सात दिन साथ रहे, सात दिन सेवा सेवन करने से गंदा नशा छूट जाता, लेकिन ख्याल रखिए परिवार का एक आदमी सात दिन साथ रहे और जब नशा छोड़ के जाना, यार दोस्त जो नशेड़ी हैं उनका संग उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना जी. बाकी शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा और पढ़ाई, या अच्छे कामों के लिए आशीर्वाद लेना चाहते हैं, बैठे बैठे सामान ऊपर कर लें. सारी सास संगत को अच्छे कामों के लिए आशीर्वाद, आशीर्वाद सामान नीचे कर लें जी. तो अब थोड़ा सा समय स्थिर प्यार मोहब्बत से सज रहना, बैठे रहना, उसके बाद जैसे आपका विचार जाने का समय साधन के अनुसार जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवाद्र भाई बताएं, रहना आराम करना, और उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का तो समय अनुसार जा सकते हैं, पर थोड़ा समय बैठे रहिएगा सज रहिएगा जी. धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा. एक दो मिनट के लिए कृपया इसी प्रकार बैठे रहें. कल सुबह की मजलिस का समय 7 बजे का है, ये समय केवल कल के लिए ही है, और कल से शाम की मजलिस का समय 6 बजे का होगा जी. हर रोज कल से शाम की मजलिस का समय 6 बजे का होगा.